सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियां भर देती है होली, बस इसीलिए खास है होली। आप सभी को BCN परिवार की ओर से हैप्पी होली। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि आज हम जहाँ आए हैं यहाँ पर जो है उत्कर्ष बहुउद्देशीय संस्था द्वारा जो है होली का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। महाराष्ट्र में जिस तरह से होली मनती है उससे कई अलग होली यहाँ मनाई जा रही है। वैसे तो भारत में हर महीने और ऋतु के लिए तमाम लोकगीत भी गाए जाते हैं, और ऐसे में होली ये फागुन महीने में आती है, और इस दौरान फाग के गीत जो है बिहार में और यूपी बिहार में ज़्यादातर हम देखते हैं कि वहाँ गाए जाते हैं, और उसी तरह से यहाँ जो है आज कार्यक्रम होने वाला है। हम देख रहे हैं कि राधा और कृष्ण जी भी यहाँ पर सज धज कर खड़े हैं। किस तरह से कार्यक्रम होने वाला है, आपकी ओर से पूरा इसका नियोजन किया गया है, क्या बताओ? जैसा कि हम आज रंग रसिया की मूर्ति को माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगाज कर रहे हैं, और आज हम होली मिलन का कार्यक्रम मना रहे हैं, और BCN परिवार आज मेरे साथ है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और होली हम क्यों मनाते हैं, ये सर्वविदित है कि अच्छाई की विजय हुई थी बुराई पर, इसलिए ये होली पर्व मनाने की हमारी प्रथा है। और रंग हम इसलिए लगाते कि सारे रंग मिलके एक हो जाते हैं, और हम अपने गिले शिकवे भुला करके सब एक हो जाए और सब साथ रहेंगे, और जहाँ पे एकता है वहीं पे उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। धन्यवाद। देख रहे हैं कि यहाँ पर प्यारे प्यारे लोग जो है सज धज कर आए हैं, कई अलग अलग तरह के यहाँ पे हमें वेशभूषा में सज कर दिख रहे हैं। वेशभूषा की है ये, कहाँ की वेशभूषा है, किस तरह से कार्यक्रम होगा, चलो हम देखते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पे, कहाँ की संस्कृति को ये दर्शा रहा है, क्या बताओगे? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और कविता परिहार मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे योग्य समझा, और आज हमारी टीम बन के यहाँ पे आदिवासी आए हैं, और होली के महोत्सव में फागुन जो त्यौहार होता है उसके बहुत अच्छा से हम लोग यहाँ जश्न मनाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा मनाने वाला। और हमारा आज आदिवासी कल्चर पहन के आना, इस कॉस्ट्यूम में हम उन चीज़ों को दर्शा रहे हैं जो पेड़ पौधे से जुड़ी हुई है। पहले के ज़माने में जब भगवान जब आए थे तो पेड़ पौधे में आए थे, जब पेड़ पौधे में आए तो हमने उनको पूजना शुरू किया, और जब पूजना शुरू किया तो उनकी आयुर्वेदिक जो थी उनको हमने खाए और उससे हम लोग ठीक हुए, और वो हम लोग खा के हम लोग इतना ठीक हुआ। तो आज मैं मैसेज देना चाहूँगी, हर घर में एक एक पौधा भी लगाएंगे तो हजारों जीव को हम बचा सकते हैं। और इस उपलक्ष्य में, होली के भी उपलक्ष्य में, हम रंगों के त्यौहार जो मनाते हैं, पहले जो लड़कियाँ होती है बचपन में सादा होती है, मतलब बिल्कुल वाइट मतलब सादा, मतलब शांति का प्रतीक होती है, फिर उसके लाइफ में धीरे से भी पिंक कलर आता है, फिर उसके मतलब पिंक एक एज होती है 18 साल की, 16 साल से जो स्टार्टिंग रहती है, फिर उसके बाद माँ बाप के साथ रहते हैं, फिर हमारी शादी होती है, फिर वो धीरे धीरे पिंक कब रेड में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, फिर उसके बाद हमारे लाइफ में बच्चे आते हैं, हम पूरे मल्टी टैलेंट का चीज़ें को, कलर को अपने लाइफ में भर देते हैं। आज इस कलरफुल को मैंने पेड़ पौधे से जोड़ा है, और पेड़ पौधे को बचाने के लिए कहा है, और कविता परिहार मैडम का हम बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने हमको इस योग्य समझा, और हम चाह रहे हैं कि उनको एक से हज़ार बना के हम ये सारी चीज़ों को दे, और ये पर्यावरण को लेके जो पेड़ बचाव है, जंगल बचाव है, ये हमेशा मेरा आगे रहे, और पर्यावरण से और कविता मैम से लेके हमारा बहुत आशीर्वाद उनका हमारे ऊपर रहे। और हमारी टीम आज एक आदिवासी का थोड़ा सा नृत्य हम देने वाले हैं, और इस उत्साह से हम होली को मनाने वाले हैं। तो होली का त्यौहार जो है, फागुन के गीत हो, रंग खेल के हो, भांग की जो एक महक होती है उसके साथ मनाया जा रहा है, साथ ही साथ संदेश भी दिया जा रहा है पर्यावरण का। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है इस रंगारंग कार्यक्रम में, तो चलिए मेरे साथ। Oh,
बदरी छाइए फागुन की, फिर हुड़दंग मचाएंगे, एक रंग में सबको रंगकर फिर से होली मनाएंगे। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि होली का त्यौहार जो है फागुन के गीत और रंग लगाकर यहाँ पर जो है मनाया जा रहा है। पूरी महिला वर्ग यहाँ पर है और आप देख रहे हो कि ढोलक और इसका साथ लेकर यहाँ पर जो है होली का त्यौहार बढ़िया से मनाया जा रहा है। राधा और कृष्ण की यहाँ पर वेशभूषा कर यहाँ पर फागुन के गीत गाए जा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगाकर यहाँ पर जो है होली का त्यौहार जो है, जो कि रंगों का खुशियों का त्यौहार होता है, वो यहाँ पर जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे घर होली में, हमारे घर होली में, हमारे घर होली में, हमारे घर होली में।
होली एक ऐसा रंग बिरंग त्यौहार है जिसमें जो है हर धर्म के लोग जो है उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं और प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म हर संप्रदाय जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का यहाँ पर संदेश देते हैं। और इसका आप यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख रहे हो कि यहाँ पे किस तरह से जो है ये होली मनाई जा रही है, साथ ही साथ पर्यावरण का भी संदेश यहाँ पे जो है दिया गया है और
महिलाएं जो है उत्साह के साथ गाते झूम कर यहाँ पर जो है होली का पर्व फागुन के गीत गाकर मनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ राधा कृष्ण की यहाँ पे जो है वेशभूषा की गई है और अपने इस होली का पर्व जो है बड़े ही उत्साह के साथ और अपने संस्कृति को और ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत ही सादगी से मनाया जा रहा है, आप देख रहे हो। बसंत ऋतु की बहार चली पिचकारी उड़ा गुलाल, रंग बरसे नीला हरा पीला लाल, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।